यह वीडियो क्लास पढ़ रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप कल के सरकारी शिक्षक बने, अध्यापक या अध्यापिका बने, तो आपको सरकारी शिक्षक बनाने के लिए आज के इन प्रश्नों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होगा। अभी तक आपने कितने कितनी पढ़ाई की है, आज के इन सभी प्रश्नों के जवाब से ये पता चल जाएगा। ये सीरीज आपकी पर्यावरणीय अध्ययन की सीरीज है, जहां पर पर्यावरण, जीएस, जीके, विज्ञान, विविध, इन सभी प्रश्नों का समायोजन होगा। बस आपको इन सभी प्रश्नों के जवाब देते रहना है, लेकिन हम इसकी विस्तृत व्याख्या करते चलेंगे। उसके लिए आप सभी साथी कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, क्योंकि आज की सीरीज काफी महत्वपूर्ण होगी। और अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, तभी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो बड़ा होगा। जैसा कि मैंने पहले आपसे बताया था, यह एक मैराथन क्लास है, और मैराथन क्लास का मतलब ही समझते हैं कि वीडियो की साइज अपने आप में बड़ी रहेगी। और लोग प्रायः 10 मिनट की, 15 मिनट की वीडियो देखना चाहते हैं, लेकिन उससे सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन आपकी वास्तविक पढ़ाई से होगा। ये वही प्रश्न है जहां से आपकी परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। माने हम उन्हीं प्रश्नों को लेकर आए हैं जहां से आपके परीक्षा में सीधे सीधे हूबहू सवाल आते हैं। तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाइएगा, क्योंकि अब हम भी आपके साथ आ गए हैं, तब तक जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। डिस्प्ले पर आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, आप सभी को, जो लोग वीडियो को लाइव सेशन में देख रहे हैं, तो वे सभी लोग ध्यान से देखें कि पहला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है, यहाँ पे जो पहला सवाल आपके सामने, CH3 COOH2 CH3 का सूत्र क्या है? ब्यूटानोइक अम्ल, मिथाइल इथेनोट, एथिल एथेनोट और प्रोपेनोइक अम्ल। तो आइए इसके बारे में जानते हैं, ये किसका सूत्र है। तो जितने भी साथ इस वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट कमेंट करें, ये विज्ञान सभी विषयों का समावेशन है। तो यहाँ पर अगर हम इस प्रश्न की उत्तर की बात करें, जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, कल के सरकारी शिक्षक, यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर होगा एथिल इथेनोट। इसका अगर हम IUPAC नाम जाने तो इथाइल एसीटेट है। इसका क्वथनांक हम बात करें तो 77.1 डिग्री सेल्सियस होता है। यह जल में घुलनशील होता है। इसका उपयोग हम गोंद, नाखून पॉलिश, रिमूवर, नाखून पॉलिश जो रिमूवर होता है, उसके लिए चाय, कॉफी, अच्छा कॉफी से कोकिन निकालने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहां पर कुछ चीजें और है जो आपकी परीक्षा के लिए पूछी जाती है, जैसे ब्यूटेनाइक अम्ल का सूत्र क्या है। ब्यूटेनाइक अम्ल को हम एक नाम से जानते हैं, इसे ब्यूट्रिक एसिड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे हम ब्यूट्रिक एसिड कहते हैं। और मिथाइल इथेनोट, इसे हम मिथाइल एसीटेट के नाम से जानते हैं। प्रोपेन अम्ल का अम्लीय सूत्र क्या होगा? इन सभी के सूत्र, क्योंकि आपने देखा होगा, शिक्षक भर्ती की बात करें तो 10 नंबर के प्रश्न आते हैं। अगर हम टेट परीक्षा की बात करें तो वहां पर भी आजकल पर्यावरण में विज्ञान के सवाल पूछे जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं एक और अगले सवाल की तरफ, आप सभी के साथ मिलकर। बस आप लोग इस वीडियो को फटाफट लोगों तक पहुंचाते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, आज की क्लास इतनी बेहतरीन होगी। और आप भी देखिएगा कितने में से कितने आपके सही हुए। द्रव का घनत्व, जी हाँ आपको भी शायद पता होना चाहिए कि द्रव का घनत्व मापने का किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। आप सभी साथी फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके जवाब दीजिएगा। देखिए एनीमोमीटर, वीवोमीटर, बताइए सभी लोग फटाफट। देखिए अगर हम यहां पे बात करें तो द्रव का जो घनत्व होता है उसके नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पिकनोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पिकनोमीटर का प्रयोग करते हैं। जी हाँ रट लीजिएगा, पिकनोमीटर का प्रयोग करते हैं। यह द्रव का घनत्व मापने का काम करता है। यह क्या करता है? द्रव का घनत्व मापता है। लेकिन एनीमोमीटर, हम चारों विकल्प की व्याख्या करेंगे और सभी लिखते चलिएगा कॉपी में, एनीमोमीटर किसका माप करता है बताइए। देखिए ये ध्यान से लिखिएगा, इसका उपयोग वायु की गति, वायु की गति व दिशा, आपके परीक्षा में एकदम सीधा सीधा प्रश्न पूछ देगा कि वायु की गति दिशा मापने में किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, एनीमोमीटर होता है। वेबोमीटर का प्रयोग कहां करते हैं? सभी लोग कमेंट करके बताइए। देखिए ये मिट्टी, ध्यान दीजिएगा, जो मिट्टी होती है तो ये मिट्टी के जो रासायनिक गुण होते हैं, यांत्रिक गुण, मिट्टी के, ध्यान से अगर लिखना चाहे लिख लीजिएगा, मिट्टी के यांत्रिक गुणों को मापने के लिए टेरा मैग्नेटिक्स किया जाता है। मिट्टी के यांत्रिक गुण से इसका संबंध है। अब है यूडियोमीटर। यूडियोमीटर का प्रयोग क्या होता है? यह भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के बाद गैस मिश्रण की मात्रा को मापता है। लिखना चाहे लिख लीजिएगा, यह यूडियोमीटर, इसका काम क्या होता है?
यह भौतिक परिवर्तन हो या रासायनिक परिवर्तन हो। उसके बाद जो गैस मिश्रण की मात्रा में परिवर्तन को जो मापने का काम करता है यूडियोमीटर करता है। लेकिन अगर हम परीक्षा की विकल्प की बात करें इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी सही और राइट आंसर होगा। हम पढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ, आप लोग चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट के तौर पर अपने पास रख सकते हैं, बाकी आप सभी की मर्जी। ठीक है, जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं सभी साथी आगे बढ़ते हैं हम एक और अगले प्रश्न की तरफ। शायद आपको प्रश्न दिख रहा होगा डिस्प्ले पर, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है। हम यहां पे चारों विकल्प की व्याख्या करेंगे, लेकिन आपसे मेरा जो सवाल है वो सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, सभी लोग जवाब दीजिएगा। अब बताइए जवाब नहीं देंगे तो क्या होगा। देखिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार कहां पर है? एकदम राइट आंसर दिया आप लोगों ने, लखनऊ शहर में है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, यह आपके लखनऊ शहर में है। कहां पे होगा? यह आपके लखनऊ शहर में है। इसके स्थापना कब हुई थी? जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को लाइव सेशन में देख रहे हैं या फेसबुक पेज पर भी लाइव है, इलानी विद दुर्गेश के यूट्यूब पर है, एज ए गेस्ट के रूप में निःशुल्क मैं आपको लेकर आया हूं सीरीज, तो जल्दी से जवाब दीजिएगा इसकी स्थापना कब हुई थी। तो केंद्रीय विद्यालय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार जिसकी स्थापना 1996 में हुई थी, 1996 में हुई थी। अगर एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा कि आगरा में क्या है, तो आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 1927 में हुई थी। अगर कानपुर की बात करी जाए, कानपुर में छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 1966 में की गई थी। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में है, रट लीजिएगा। अगर हम वाराणसी की बात करें, जी हां जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा। सभी साथी, केवल आपके लिए नहीं है कि आप ही केवल बताएंगे, बताना सबको है। अब हम यहां पर अगर हम बात करें कि कानपुर में और क्या है, तो कानपुर में एक चीज और है, बताइए चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1975 की गई थी वह भी कानपुर में। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में है, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1916 में की गई थी। अब यहीं पर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में ही संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी है जिसकी स्थापना 1791 में हुई थी। तो ये एक प्रश्न के इतनी व्याख्या थी जो मैंने क्रमवार रूप से कर दी। अगर आप कॉपी कलम लेकर बैठे होंगे इस व्याख्या को लिख लीजिएगा, इससे बाहर आपके सवाल नहीं आएंगे। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहां पर है, तो एकदम आसान सा सवाल है मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं जरा कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए, उत्तर प्रदेश बरेली प्रयागराज नोएडा मेरठ कहां पर है? उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय सभी लोग बताइए फटाफट कहां पे है? प्रयागराज में है। कहां पर है? प्रयागराज में है। अब ये प्रश्न पूछता है कि जब ये प्रयागराज में है तब इसकी स्थापना कब हुई थी? अगर मंडल की बात की जाए तो मंडल इसके दो जगह है, जैसे मेरठ मंडल है जो परीक्षा में पूछा जाता है, दूसरा आपका बरेली मंडल है जहां से सवाल आते हैं। इसके अलावा इसका मुख्यालय प्रयागराज, पूर्ण नाम इलाहाबाद है। अगर इसकी स्थापना पूछ लिया जाए कब हुई थी, तो 1861। ये सारे सवाल ऐसे हैं जहां से आपके परीक्षा में सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। आप लोग इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों तक पहुंचा दीजिएगा। उत्तराखंड कब बना? आपको भी शायद याद होगा कि उत्तर प्रदेश से टूटकर उत्तराखंड राज्य बना था, उसी समय तीन नए राज्य बने थे। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से टूटकर अलग हुआ था, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से, झारखंड बिहार से, तो तीन
राज्य अस्तित्व में आए थे, लेकिन उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000, ये घटना कब की है, ये घटना सन 2000 की है। सन 2000 में तीन नए राज्य अस्तित्व में आए थे। अगर पूछा जाए कि वर्तमान समय में उत्तराखंड की राजधानी क्या है, वर्तमान समय में इसके मुख्यमंत्री कौन है, तो आपका करंट का सवाल हो जाएगा। यहां पे भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा यमुना के उद्गम स्थल है, जहां से गंगा गंगोत्री से निकलती है, यमुना यमुनोत्री से निकलती है। तो यह सवाल आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसका जवाब आप स्वयं दीजिएगा। ठीक, अब हम चलते हैं एक और अगले सवाल की तरफ। किसी के मन में कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। यहां पर देखिए 2016 से मैं एक सवाल का जवाब दे दूं। पिछली बार पूछा सवाल है पूर्ण जैविक राज्य सिक्किम है, यह 2016 में पूर्ण जैविक राज्य होने का इसे गौरव मिला था। और 2011 से उड़ीसा का नाम, जो उड़ीसा था उसका नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया, उड़ीसा से उसका नाम ओडिशा कर दिया गया। ठीक, अब हम और आगे चलते हैं। जितने इस वीडियो को लाइव देखा, जरा फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। अगला सवाल है, बरसाना होली के साथ किससे खेली जाती है, टमाटर के साथ, दूध के साथ, पत्थर के साथ, डंडे के साथ? बताइए आप लोग। आप लोग वीडियो को शेयर करिए। हाँ, जिम कार्बेट नेशनल पार्क वहीं पर है। अच्छा, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिएगा, इसके बारे में बात करेंगे विकल्प के हिसाब से है कि मुख्यालय कहाँ स्थित है। अगर वर्तमान में देखा जाए, इसके उत्तर जो लखनऊ है उसके बारे में भी आगे बताऊंगा, उन दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, ये 1861 में इसकी स्थापना हुई थी प्रयागराज में। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं बरसाना की होली। जो बरसाना की होली होती है उसे हम एक नाम से जानते हैं, कोई बता सकता कौन सा नाम उसे बोला जाता है? लठमार होली। लिखना चाहे लिख लीजिएगा, वैसे आपकी मर्जी, लिख लेंगे लठमार होली। और जो बरसाना की होली को हम लठमार होली कहते हैं, ये किसके साथ होगी? तो इसका मतलब लठमार है माने ये डंडे से ही होगी, लाठी डंडों से ही होगी ना, तभी तो लठमार होली पड़ा। बरसाना की होली लठमार होली कहलाती है। और टमाटर की होली कहां पर होती है? स्पेन में होती है। कहां पे होती है? स्पेन में। टमाटर की जो होली होती है ये स्पेन में होती है। इसे हम टोमेटा फेस्ट के तर्ज पर भारत के रायपुर शहर में भी टमाटर की होली होती है। रायपुर शहर में भी स्पेन के तर्ज पर भी एक होली होता है, उसे हम होली टोमेटो फेस्टिवल कहते हैं। यह रायपुर के शहर में होता है। रायपुर कहां पे है, कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। अब हम चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रही है? जरा कमेंट करें, आप लोग को समझ में आ रहा है? जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, जरा कमेंट करके बताएं कि आपको भी समझ में आ रहा है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा यूपी पुलिस विभाग के चयन की प्रक्रिया में एक नहीं आता है? जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग के चयन में कौन सा नहीं आता है। शारीरिक परीक्षण, शैक्षिक योग्यता, आयु पात्रता और भाषा, बताइए सब लोग। चलिए यहां पर हम लोग ध्यान से देखते हैं। जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग ध्यान से देखिए। हम लोगों ने अभी देखा कि शारीरिक परीक्षण होता है, शैक्षिक योग्यता परीक्षण होता है, अभी पता था भाषा परीक्षण नहीं होता। ठीक, वो शैक्षिक योग्यता में ही इसका चयन हो जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता को दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, देव काली? जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा।
सभी लोग जितने भी वीडियो को देख रहे हैं, देखिए जो पौराणिक कथा थी उसके अनुसार जो भगवान ब्रह्मा थे, इसका उत्तर बी होगा, पहले बता दूं मैं, भगवान ब्रह्मा ने दशाश्वमेध घाट पर दिए जाने वाले, किए जाने वाले जो दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। हम सभी के बारे में अगर हम एक एक लाइन आपको बताना चाहें, आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे भगवान विष्णु की अगर हम बात करें, ऐसे करें सब सोचेंगे सही विकल्प लगा है क्या, भगवान जो विष्णु है ये वैदिक समय से ही विष्णु के संपूर्ण विश्व की सर्वोच्च शक्ति के निरंतरता के रूप में माना गया है। भगवान शिव को संहार का देवता माना जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल है कि भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से क्या है? भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? अशोक चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, बताइए क्या होगा आपके हिसाब से? बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। देखिए यह क्लास जौनपुर जनपद से चल रही है, इसकी जो पीडीएफ नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। जो भी साथी अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए वो तुरंत टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग पे दुर्गेश सर, जहां पे सभी क्लास आपको निःशुल्क देश हित में राष्ट्र हित में मिलती रहेंगी। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो यहां पर आप लोगों ने प्रश्न दिया है, बहादुरी को हम शौर्य पदक कह सकते हैं, तो इसका उत्तर होगा परमवीर चक्र। परमवीर चक्र को हम एक और नाम से जानते हैं, इसे हम शौर्य पदक कहते हैं, हम इसे शौर्य पदक कहते हैं। पहला जो परमवीर चक्र है, शौर्य पदक है, ये किस भारतीय को मिला था? मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था। ठीक है, अब हम बात करते हैं अशोक चक्र की। अशोक चक्र के बारे में देखिए, नोट्स के लिए आप इलर्निंग पे दुर्गेश के ऑफिस पे बात करिएगा, उन पे व्हाट्सएप करिएगा, वो आपको पूरी जानकारी दे देंगे। अगर हम बात करते हैं अशोक चक्र की, तो अशोक चक्र भारत के शांति के समय सबसे ऊंचा वीरता का पदक है। यह राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है और यह मरणोपरांत दिया जाता है, यह मरने के बाद दिया जाता है। एक आता है कि सर यह कीर्ति चक्र क्या होता है, यह विविध के सिलेबस में है आपके कि कीर्ति चक्र क्या होता है, तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में जानना जरूरी है कि देखिए जो कीर्ति चक्र होता है, क्योंकि यहां सवाल आपकी परीक्षा में आते हैं इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं, ये भारत की शांति के समय ये भी वीरता का ही पदक है, लेकिन ये मरणोपरांत दिया जाता है और वरिता में यह महावीर जो महावीर चक्र है उसके बाद आता है। अगर वरिता क्रम देखेंगे तो जो महावीर चक्र है उसके बाद आता है। एक आता है वीर चक्र, यह भारत के समय युद्ध के समय यह वीरता पदक है, यह भी अगर देखा जाए तो मरणोपरांत दिया जाता है। यह वीर चक्र भारत के युद्ध के समय वीरता के पदक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा के सिलेबस में नहीं है, आपने गलत प्रैक्टिस से ढल किया होगा तो अलग बात है। आगे बात करते हैं, माई पैसेज ऑफ इंडिया द्वारा लिखी गई एक किताब है, तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी जवाब जरूर देंगे। देखिए आप लोगों ने सवालों के जवाब अभी तक नहीं दिए हैं, यह इस्माइल मर्चेंट के द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा? इस्माइल मर्चेंट के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा अगर देखें मुल्क राज आनंद की अगर कोई प्रसिद्ध पुस्तक पूछ ले अगर आपकी परीक्षा में, तो आप इसका जवाब क्या देंगे? बताइए जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आप लोग इसका जवाब क्या देंगे। देखिए मुल्क राज जो आनंद है, इनकी
अनटचेबल्स उपन्यास थी, कुली और द सोर्स एंड द स्किल इनकी रचना थी। इन्हें साहित्य के क्षेत्र में तो 1967 में पद्म भूषण भी मिला था। कभी कभी विद्याधर, सूरत प्रसाद, नागपाल इनसे भी सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। ये आधुनिक युग के प्रसिद्ध अंग्रेजी के साहित्यकार हैं। इन्हें 2001 के साहित्य के नोबेल, साहित्य का नोबेल 2001 का इन्हें मिला था। इनकी रचना है, क्या क्या रचना है इनकी कोई बता सकता है? ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, ए बेंड इन द रिवर, क्योंकि पुस्तकें भी आपके सिलेबस में है, प्रमुख किताबें, प्रमुख पुस्तकें। चलिए, हम आगे देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने फिर से आ गया है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? मुझे नहीं लगता जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं किसी का सवाल का जवाब गलत होगा, सब इसके जवाब सही देंगे। देखिए, 69 जैसे शिक्षक भर्ती में जो हिंदी में साहित्य के सब्जेक्ट थे, प्रश्न थे, उन्हें पीएनपी ने डिलीट किया, उसके नंबर सबको कॉमन कर दिए। बाकी पढ़ते रहिएगा सभी लोग जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, और शेयर करते रहिए। ठीक, आपने देखा होगा साहित्य के तीन प्रश्न गलती से पीएनपी ने पूछ लिया था, तीनों प्रश्न को डिलीट करना पड़ा, उसके नंबर पूरे जितने भी अभ्यर्थी थे जिन्होंने उसको टच किया था प्रश्न को, सबको कॉमन मिले। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर एकदम सही है, 5 जून। इसके अलावा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस है, समझ में आ रहा है ना? पृथ्वी दिवस कब है? 22 अप्रैल को। 8 मई को रेड क्रॉस, 11 जून को सेतु बंधु रामेश्वरम प्रतिष्ठा राष्ट्रीय दिवस है, तो उसका कोई मतलब नहीं है आपका। आगे चलते हैं, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? यह काफी यूनिक सवाल है, यहां से भी आपके परीक्षा में सवाल आते हैं, चाहे आप टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी में इसका रोल सबसे अहम और महत्वपूर्ण है। तो जरा जवाब दीजिएगा आप सभी साथी। सभी लोग जरा बताइए, जेट इंजन। देखिए, अगर हम बात जेट इंजन की करें तो रोजर बेकर, सर फ्रैंक विटल, सर फ्रैंक विटल ने किया था। जेम्स वाट ने क्या किया था? भाप का इंजन। ये कुछ लोगों ने गलती कर दी, इसी तरह परीक्षा में गलती होती है। तो भाप का इंजन जो था वो जेम्स वाट ने, रोजर बेकर ये प्रसिद्ध दार्शनिक थे, इन्होंने भूगोल, गणित, विज्ञान आदि क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लुई एडसन वाटरमैन, इन्होंने फाउंटेन पेन का इस्तेमाल मतलब बनाया था, लिखना चाहे लिख लीजिएगा वैसे आपकी मर्जी, फाउंटेन पेन। देखने कितना माइनर माइनर अंतर आ रहा है आप लोग के लिए, क्योंकि देखिए आप लोग परीक्षा में गलती मत करिएगा। ठीक है, एक प्रश्न आ रहा है कि हिंदी साहित्य, सर अब हम नहीं पढ़ रहे हैं, हिंदी साहित्य का जो प्रमुख पुस्तकीय लेखक होते हैं वो विविध में आता है, तो इसलिए विविध में पढ़िएगा, ऐसा नहीं वहां नहीं आएगा, हिंदी की जगह विविध में देगा, इसलिए विविध को पढ़िएगा, पढ़ना है विविध में आके। कौन सा एक सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप में सूचीबद्ध नहीं है? ट्विटर, फेसबुक, वीओबो, क्वेरा। तो जितने भी साथी देख रहे हैं कि ये ऑनलाइन है और आप लोग इस वीडियो को किस प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन देख रहे हैं, कुछ इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं, कुछ फेसबुक पे देख रहे हैं, तो जहां पे आप देख रहे हैं आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिए, जरा हम भी जाने। देखिए, इसमें अगर क्योरा को छोड़ दिया जाए तो जितने हैं सभी सोशल मीडिया नेटवर्क का सार्वजनिक प्लेटफॉर्म है, लिख लीजिएगा, रटते चलिएगा, ये पूरा सिलेबस आपके परीक्षा के आधार पर तैयार किया गया है, और आपको भी देखना है कितने में से कितने आपने सही किए। आज आगे बढ़ रहे हैं हम,
फिर आपके साथ। अगला है आपके सामने, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? सभी साथी फटाफट देखिएगा। अगर यहां पे प्रतिशत में पूछ लेता, अगर यहां पे प्रतिशत में पूछता तब इसका उत्तर मिजोरम होता, तब इसका उत्तर मिजोरम होता। लेकिन यहां पे सर्वाधिक वन पूछा है, इसका मतलब क्षेत्रफल के आधार पर पूछा है। तो सभी साथी बताइए, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? मध्य प्रदेश, एमपी। इसे भारत का हृदय या भारत का फेफड़ा कहा जाता है। उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में आ चुका होगा। बताइए। चलिए अगला है, फिनलैंड शासकीय मुद्रा है, माने फिनलैंड कहां की मुद्रा है? डॉलर अगर पूछ लिया जाए तो डॉलर अगर हम बात करें तो ये यूएसए का है। देखिए ऐसे आपको क्या करना है, चारों विकल्प लिख रहे हैं ना आप लोग। देखिए एक यूएसए हो गया। अगर हम पौंड की बात करें, पौंड कहां कहां है, तो ये यूके में है। अगर हम यहां पे पौंड की हम बात करें तो यूके यूनाइटेड किंगडम में आपको मिल जाएगा। यह मिस्र में है, सूडान में है। रियाल की अगर हम बात करें, परीक्षा में पूछा जाता है रियाल कहां पे है, कतर में रियाल चलती है। ईरान में है, ईरान में भी आपकी क्या है, रियाल है। सऊदी अरब में हो गया, समझ में आ रहा भी आप लोग ना? अगर भी इस प्रश्न का जो उत्तर है वो यूरो है, मैंने इस प्रश्न का अगर उत्तर की बात करें तो डी यूरो है। यूरो फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है, मैंने यहां पे लिख दे तो यूरो होगा। यूरो जो है फिनलैंड की एक शासकीय मुद्रा है। देखिए हम आपके सभी चीजों का समाधान करेंगे, लेकिन आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिएगा। देखिए नोट्स में सब कुछ आपको मिल जाएगा, इलेने भी दुर्गेस पर जो नोट्स आपको मिल रहे हैं, चाहे वो टेट के हों, सी टेट के हों, सुपर टेट के हों, अगर उतना आपने एक बार तैयार कर लिया तो पेपर के बाहर सवाल नहीं आएगा। विविध करंट सब आपको मिलेगा, लेकिन धैर्य रखिए, एक ही दिन में एक ही वीडियो लेक्चर में तो नहीं होगा ना। हम आपके लिए कंप्लीट प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं 150 प्रश्नों की 150 मिनट में, लेकिन उसके लिए धैर्य रखिए। 50 प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, वो सब ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर आपको मिल जाएगा। यहां पे देखिएगा कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करती है। तो जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे तुरंत कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करके बताएं कि कौन सी रेखा है जो सीमा तय करने का काम कर रही है। तो आपने देखा कि भारत मतलब किस देश का नाम सुनते ही आंखें लाल हो जाती हैं। तो आपने कहा सर आंखें अगर लाल की बात करें तो वो एक ही देश है जिसका नाम है पाकिस्तान। तो रेड माने लाल, तो रेड क्लिफ रेखा। इसका निर्धारण बॉर्डर कमीशन ने धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो वहां पर रेड क्लिफ रेखा था। अगर मैकमोहन की बात करें तो ये भारत और चीन। डुरन रेखा, ध्यान से देखिएगा, जिस समय डुरन रेखा खींची गई थी उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच थे, लेकिन वर्तमान समय में पाक और किसके बीच है, अफगानिस्तान के बीच है। ये एक अंतरराष्ट्रीय सीमा है, भारत से भी थोड़ी सी लगती है। तो ये तीनों सीमाओं रेखाओं के बारे में आप लोग जानते रहिएगा। पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी, बाद में पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो ये रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हो गई। समझ में आ रहा है आप लोग को ना? स्क्रीनशॉट करते चलिएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहां पर प्रश्न है, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? जरा बताइए कि प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? सभी फटाफट बताइए। मालदीव, मंगोलिया, मलेशिया, उत्तर कोरिया। देखिए अगर मालदीव की राजधानी की बात करते हैं, माले है, इसकी राजधानी माले है। क्या है इसकी राजधानी? आपकी माले है। ठीक, मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर। लिखना चाहिए लिख लीजिएगा, उलान बटोर। मलेशिया की कुआलमपुर।
यहां से भी सवाल आते हैं, कुआलमपुर, उत्तर कोरिया, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा उत्तर कोरिया होगा। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर डी लगाया है तो इसका जवाब सही है। प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी है। ठीक, किसी के मन में कोई डाउट, कोई सवाल? अगला, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 50 राज्य हैं, 6 केंद्रशासित प्रदेश हैं। कहां पे? यूएसए। कहां पर? यूएसए। तो यहां पर एक चीज तो आप लोग को भी जानना चाहिए कि कौन सा नहीं है। देखिए, यहां पर अटलांटा नहीं है, न्यूयॉर्क है, मिनेसोटा है, लुइजियाना है, लेकिन अटलांटा नहीं है। ये विविध में आ जाएंगे। अब हम और आगे चलते हैं। लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा कौन सी दूसरी भाषा बोलते हैं? जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वीडियो को फेसबुक पे, यूट्यूब पर, जहां भी देख रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा सभी साथी। देखिए, लक्षद्वीप के सभी लोग मलयालम के अलावा दूसरी भाषा जो बोलते हैं उसका नाम है महल। जी हाँ, ये मिनिकाय में ही बोली जाने वाला भाषा, ये महल मिनिकाय में भी बोली जाती है, ये मिनिकाय में बोली जाती है। इसके अलावा ये पहली भाषा हो गई, ये दूसरी भाषा हो गई, इनकी तीसरी भाषा अंग्रेजी भी है, और ये पूर्ण जैविक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, अब किसी के मन में कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। तमिल, अगर तमिल की बात की जाए तो यह तमिलनाडु में, यह तमिलनाडु में बोली जाती है, पुदुचेरी में बोली जाती है, श्रीलंका में बोली जाती है। बंगाली की बात करें, बंगाली भाषा, तो यह पश्चिम बंगाल में, बांग्लादेश में, त्रिपुरा में, असम के आसपास के क्षेत्र में यह भाषा बोली जाती है। हिंदी राजभाषा है, राजभाषा नहीं, हिंदी क्या है? राजभाषा, राजभाषा मत मानिएगा, हिंदी क्या है? ये राजभाषा है। ये कितने राज्यों में बोली जाती है कमेंट करके जवाब दीजिएगा। उत्तर प्रदेश हिंदी भाषी राज्य है। उत्तर प्रदेश के अलावा आप कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंदी बोली जाती है? ठीक, और किसी के मन में कोई सवाल हो तो पूछ ले। सबको समझ में आ रहा है ना, एक ऐसी सीरीज है जहां पे आपको ये समझ में आएगा आपको क्या क्या भी पढ़ना है, क्या क्या अभी तक आपने नहीं पढ़ा है। एक तरह से आपको सिलेबस का दर्शन हो जा रहा है, चाहे आप टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक, और आगे बात करते हैं। अगला सवाल है, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति कहलाते हैं। राजा राम, संभाजी, शाहू, बाजीराव, ये आधुनिक भारत के इतिहास का सेक्शन है। शिवाजी के छोटे बेटे जिन्हें तीसरे छत्रपति कहते हैं, यहां पे उनका नाम बताने वाले कोई है? राजा राम। कौन है? राजा राम। संभाजी की बात करें तो ये राजा जी के, ये जो संभाजी है ये राजा राम के बड़े भाई थे। साहू की बात करें, जरा साहू से सवाल पूछता आपके परीक्षा में, जरा साहू को बताइए। साहू मराठा के भोसले राजवंश के, ये मराठा के भोसले राजवंश के थे। ये भोसले राजवंश के राजा और कोल्हा की भारतीय रियासतों के महाराजा थे। छत्रपति साहूजी महाराज को राजश्री साहू के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें बाजीराव का, तो बाजीराव प्रथम महान सेनानायक था जो 1720 से लेकर 1740 तक मराठा साम्राज्य के चौथे छत्रपति साहूजी महाराज पेशवा अर्थात प्रधानमंत्री रहे। इन्हें बाजीराव बल्लाल, थोरेल, बाजीराव आदि के नामों से जाना जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य कौन सी है? तो जितने भी साथ इस वीडियो को देख रहे हैं जरा कमेंट करके बताएं कि ओडिशा से शुरू उस प्राचीन नृत्य का नाम क्या है। चलिए अगर मैं पे बात करें इस प्रश्न का उत्तर पुलिकली, राउत नाच, ढालू कुनीता या घूमरा, तो आप इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? घूमरा। घूमरा ये ओडिशा से शुरू हुई एक प्राचीन थी। अगर हम बात करें पुलिकली, तो ओणम का त्योहार जब होता है ये केरल में है, केरल में, लेकिन इसे कब ओणम के पर्व पे जब ओणम का त्योहार आता है एक खास लोक नृत्य है जिसे हम पुलिकली कहते हैं, राउत नाच। ये छत्तीसगढ़, सीजी माने छत्तीसगढ़, परंपरागत रूप से दूध दही का व्यवसाय करने वाले जो यदुवंशी हैं उनके शौर्य और लोकगीत से मिले जुले एक ऐसा लोक नृत्य है जो हम एक पखवाड़े के दौरान किया जाता है। एक है डालू कुनीला कुनीता, डाकू ढालू कुनीता, जो इसे डोलू कुनिया कहते हैं, इसे डोलू कुनिया के नाम से भी जानते हैं, इसका एक उपनाम है, लिख लीजिएगा, हो सकता है परीक्षा में वो उपनाम भी आपके, क्योंकि नृत्य भी आपके सिलेबस में है, शायद आपको याद होगा। डालू कुनिया, और यह कर्नाटक का एक लोक नृत्य, कहाँ का? कर्नाटक का, कर्नाटक का एक लोक नृत्य है। हम चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग कितने सही हो रहे हैं, सबको आ रहा है? जरा एक बार कमेंट करिए, एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जो भी आपके साथी तैयारी कर रहे हैं उन तक ही पहुंचा दीजिएगा सभी लोग। अगला सवाल है, अपने भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में इंडोनेशिया के बाद किस स्थान पर आता है? बताइए सभी लोग। देखिए अगर यहां पे बात करें भारत नारियल वार्षिक उत्पादन में, फिलीपींस, इंडोनेशिया, उसके बाद तब भारत का आता है, ठीक है? मतलब फिलीपींस पहले पर, इंडोनेशिया दूसरे पर, भारत तीसरे पर। अगला सवाल है, 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए जिसमें महिलाएं शामिल थी, जिसमें महिलाएं शामिल थी, तो बताइए कितनी महिलाएं सम्मिलित थी? मैं यहां पे पूरा डेटा लिख दे रहा हूं, महिला, अनुसूचित जाति कितनी थी, अनुसूचित जनजाति कितनी थी, मतलब यहां पे एक हो गया फीमेल, दूसरा एससी, तीसरा एसटी, तीनों से सवाल आपके परीक्षा में पूछा जाता है। क्या आप लोग अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन किए हैं? अगर टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप लोग दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जरूर जुड़िएगा सभी लोग, जहां पर सभी क्लास आपको निःशुल्क देश हित में राष्ट्र हित में मिलती रहेगी। बताइए, देखिए महिलाएं कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया, कितने लेख थे, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। देखिए यहां पे जवाब लगातार आ रहा है सभी लोग का। कल्पना जी ने बताया है 9 महिलाओं ने सिग्नेचर किया था, टोटल 15 महिला थी। यहां पर ये नहीं दिखाई दे रहा है कितने थे, तो यहां पर हम लोगों को उत्तर कितना लगाना होगा? 15। लेकिन ये पूछ रहा है प्रश्न में एससी महिलाएं कितनी थी, सॉरी एससी महिलाएं नहीं, एससी माने अनुसूचित जाति के लोग कितने थे, तो वो थे 26 महिलाएं 15। कब? संविधान सभा में। किसकी बात हम कर रहे हैं? संविधान सभा की बात कर रहे हैं। एसटी 33, टोटल अगर पूछ लिया जाए तो 284। तो यहां से अगर कभी भी जीवन में आपके सवाल आते हैं तो आपका सवाल पूरी तरह से सही होना चाहिए। क्या सबको समझ में आ गया? जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं,
यह भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। ठीक है, किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम और आगे चल रहे हैं। काकोरी ट्रेन लूटपाट की कल्पना राम चाहे कल्पना जो है राम प्रसाद बिस्मिल ने किसने की थी? कल्पना मतलब जो लाइव वीडियो देख रहे हैं उनका नहीं, मतलब ये कि इसकी योजना कौन कौन बनाया था, राम प्रसाद बिस्मिल के साथ कौन कौन था, किसने ये पूरा परफॉर्मा बना लिया था, ऐसा समझिए आप। देखिए, खुदीराम बोस, शिवराम राजगुरु, अशफाकुल्ला खान, जतेंद्र नाथ दास, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा जो काकोरी लूटपाट था उसमें राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान, इनका पूरा नाम अशफाकुल्ला खान वासी हजरत था। तो यहां से सवाल आपकी परीक्षा में आते हैं। खुदीराम बोस के बारे में जान लीजिएगा, इन्होंने भारतीय स्वाधीनता के लिए 19 वर्ष की आयु में फांसी पर चढ़ गए थे। शिवराम राजगुरु ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया गया था। इसी नाते 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम जतेंद्र दास की बात करें तो भारतीय स्वतंत्रता के कार्यकर्ता, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। इन्होंने 63 दिन की भूख हड़ताल अनशन के बाद लाहौर के सेंट्रल जेल में इनकी मृत्यु हो जाती है, जतिन नाथ दास की भूख हड़ताल के दौरान। ठीक, चलिए अब हम और आगे चलते हैं। हाँ, फांसी देखी, फांसी किसको दी थी? राजगुरु को, उसके बाद भगत सिंह जी को, और किसको दी गई थी बताइए? सुखदेव। कब दी गई थी? 23 मार्च 1931। ठीक है, बगरू में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। जरा बताइए कमेंट करके आप लोग कि जो बगरू में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है, जम्मू कश्मीर में, राजस्थान, असम, बताइए। देखिए, बगरू में हाथ की छपाई के लिए प्रमुख जो केंद्र है वो है आपका राजस्थान। आपने देखा होगा हाथ में टैटू वगैरह शुरुआत राजस्थान की महिलाओं पुरुषों में आपने देखा होगा, अपने हाथ की छपाई के हथकरघा उद्योग के लिए। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, ऊनी वस्त्र की गणना देश में प्राचीन कुटीर उद्योगों में की जाती है। ठीक है, असम में जो लॉर्ड विलियम वेटिक था उसने जूट के लिए पारंपरिक उद्योग लगाए थे। केरल को मसालों का शहर भी कहा जाता है। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, किसी के मन में कोई सवाल हो तो पूछ सकता है, कोई प्रश्न नहीं है ना, किसी के मन में कोई सवाल, कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। कह रहा है कि हवा महल 1799 में महाराजा द्वारा बनाया गया था। पृथ्वीराज चौहान, राय बुलर भट्टी, सवाई प्रताप सिंह, रानी पद्मिनी, कौन बताइए? कितने लोगों ने वीडियो को शेयर किया जरा कमेंट करके बताएं, जिस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं। देखिए, हवा महल अगर हम बात करें तो आप लोगों ने एकदम सही बताया है, सवाई प्रताप सिंह 1799 में। इसमें 953 जालीदार खिड़कियां हैं। कितनी? 953। जालीदार खिड़की है, लिख दे कराने दे, खिड़कियां हैं। अगर पृथ्वीराज चौहान की बात करें तो तराइन के युद्ध से इनका संबंध है, जिससे तराइन का जो युद्ध हुआ था उससे पृथ्वीराज चौहान का संबंध है।
रानी पद्मावती, इन्हें पद्मावती भी कहते हैं, चित्तौड़ के जो राजा रतन सेन की रानी थी। एक आपका है बूलर भट्टी, ये भाटी वंश के एक मुस्लिम राजपूत कुलीन था और जो सिख धर्म के प्रेरणा कहे जाते हैं गुरु नानक जी से प्रेरित था, उसने अपनी आधी जमीन उन्हें दान भी कर दी थी, इसलिए इनका नाम अमर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जो रह चुके हैं, किस देश के प्रधानमंत्री थे? पुर्तगाल। कहां के थे? पुर्तगाल के थे। ठीक है, आगे चल रहे हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, किसी के मन में कोई सवाल तो नहीं है ना, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या हुआ? किसी के मन में कोई सवाल तो नहीं है ना? इस क्लास के अलावा अगर कोई सवाल हो तो बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। उनका धन्यवाद जिन्होंने वीडियो को शेयर किया है। उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला गया पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किसके बीच खेला गया? जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और जवाब दीजिएगा। बताइए बिल्कुल फटाफट कमेंट करके। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए। भारत और वेस्ट इंडीज, सही जवाब। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है ये भारत और वेस्ट इंडीज के बीच। ठीक है, वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? सभी से जरा फटाफट कमेंट करें जितने इस वीडियो को देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, चीन, सिंगापुर, मलेशिया। एकदम सही जवाब आप लोगों ने दिया है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? चीन। वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी चीन द्वारा की जाएगी और पहले एशियाई खेल की मेजबानी भारत ने की थी। अगर पहली बात की जाए, पहली भारत ने किया था कब? 1951। मतलब ये वो टॉपिक है जहां से आपके परीक्षा में सवाल आते हैं। उस समय इसका उद्घाटन उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। ठीक है, किसी के मन में कोई प्रश्न कोई सवाल हो तो जरूर पूछेगा। अगला आपके सामने सवाल है, भारत के चीफ आर्मी स्टाफ का नाम बता जिन्होंने 31 दिसंबर का पदभार संभाला था। हाल ही में उनका निधन हो गया था, जरा बताएं। हाल ही में उनका निधन भी हो गया है, हाल ही में उनका निधन भी हो गया है। जी हाँ, जनरल बिपिन रावत। हम बढ़ते हैं एक और अगले सवाल की तरफ। जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं वो फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करके शेयर करें। सभी लोग फटाफट वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें, पहुंचा दें, इतना काम तो कर सकते हैं ना। देखिए, अगला सवाल आपके सामने है कि नवंबर 2018 में जो 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? तो ये सिंगापुर में किया गया था। पहला कब किया गया था, जरा प्रश्न यहां पे पूछ सकता है कि पहला कब किया गया था भाई? आसियान शिखर सम्मेलन पहला कहां किया गया था बताइए सभी लोग। ये 1976 में किया गया था और अक्टूबर में अगर हम बात करें, अक्टूबर 2021 जो बीत चुका है उसमें जो 38वां
38वां आसियान शिखर सम्मेलन कहां हुआ? बंदर शेरी। कहां पे हुआ है? बंदर शेरी। ये बंदर शेरी क्या है? बंदर शेरी बेगावान। ये कहां पर है? तो बुरनई दारुसलेम। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, दिख रहा है ना? अच्छा लिख दे रहा हूं मैं यहां पे, सभी लोग लिख लीजिएगा, अगर दिख रहा हो तो सही बताइएगा, नहीं तो फिर आगे लिख। बुरनई है, उसके बाद दारुसलेम। बुरनई दारुसलेम, बुरनई दारुसलेम में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो यहां सवाल आपके परीक्षा में पूछा जाता है। ये 38वां था 2021 में, अक्टूबर 2021 में, बुरनई दारुसलेम में। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? मानव शरीर का कौन सा अंग है जो इंसुलिन पैदा करने का काम करता है? तो जो भी साथ इस वीडियो को देख रहे हैं बताइए। यकृत, अग्नाशय, तिल्ली, पित्ताशय। सभी लोग फटाफट कमेंट करते रहे, तो एकदम सही आप लोगों ने बताया है। ज्यादातर लोगों ने तिल्ली बताया है, लेकिन यहां पर इसका होगा अग्नाशय, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज जो होगा, पैंक्रियाज। अग्नाशय अंग इंसुलिन पैदा करता है। अंतःस्रावी भाग जो होता है लैंगहेंस से तिपिकाओं को बीटा को उसका स्रावित होने वाला एक हार्मोन है। अगर हम पित्ताशय की बात करें तो हो सकता है कभी कभी यहां से प्रश्न आते हैं पित्ताशय से, जो पाचन क्रिया में सहायता करता है। यकृत में पित्त का भंडार करने में यह मदद करता है। उसके साथ साथ पूछा तिल्ली, देख रहे हैं तिल्ली, प्लीहा भी कहते हैं, मानव के पेट में रहता है। ये जो पुरानी लाल रक्त कोशिका है नष्ट करने का कार्य करता है। रक्त से जो संचित भाग होता है इसका, संचित जो इसका भाग होता है वो क्या करने का काम करता है? भंडार करने का काम करता है। यकृत ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो आपकी यकृत है। ये पित्त का निर्माण करती है। क्या करती है? पित्त का निर्माण करती है। आगे चलते हैं एक और अगले सवाल की तरफ। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा तत्व एक अधातु है जो कच्ची तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहता है? पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन, हीलियम। देखिए विज्ञान के भी सवाल आते हैं, बताइए जल्दी से फटाफट कमेंट करके आप लोग। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, देखिए इस प्रश्न का उत्तर ब्रोमीन होगा। इसका संकेत Br है। पारा को हम पारद कहते हैं, इसे कहते हैं पारद कहते हैं। यह एक धातु है, इसको हम HG से दर्शाते, एक धातु है। अगर हम क्लोरीन की बात करें, इसे हम फीका हरा भी कहते हैं, कभी परीक्षा में पूछा जाता है फीका हरा। इसका प्रयोग कहां किया जाता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। हीलियम एक निष्क्रिय गैस, हल्की गैस है, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, विषहीन भी है। ठीक, अब किसी के मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो पूछिए। यार आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, शेयर तो कर दीजिए कम से कम। कौन सा तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? ये GS, GK विज्ञान सभी को मिलाकर है, कौन से तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? ब्रोमीन, क्लोरीन, सोडियम, कैल्शियम। यह क्लोरीन का होता है।
17, कितना 17 सबसे कम होता है विकल्प के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो आ रहा हो तो पूछ सकते हैं आप सब। पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? पुष्प के किस हिस्से में होता है? अंडाशय, बीजांड, परागकोष, पुष्प योनि। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जी, आप लोग एकदम सही जवाब बता रहे हैं। ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देशहित में राष्ट्रहित में है। पढ़ते रहिए और अपने देश को और ऊंचाइयों पर लेकर चलिए। तो जो पराग कोष होता है, ये पुष्प के पराग का उत्पादन होता है यहां से। अगर हम बीजांड की बात करें, कुछ लोग के मन में आ रहा है कि सर बीजांड क्या होता है? किसी भी जो बीज के उत्पन्न करने वाले पादप में बीजांड वह संरचना होती है जहां मादा अपना जो प्रजनन क्षमता होती है, कोशिकाओं का निर्माण भंडारण करने का काम करती है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर अंडाशय क्या है, तो जरा बताइए कि अंडाशय आप इसका मतलब क्या होगा, बताइए। देखिए, ये फूल या जो गर्भ केसर चक्र होता है, मादा प्रजनन अंग का हिस्सा होता है। अंडाशय फल का निर्माण, जो बाद में फल भित्ति में बदल जाता। देखिए, पुष्प योनि क्या होती है? इसे फूल की महिला या मादा जननांग कहते हैं। यह एक से अधिक अंडों का बना होता है, ठीक है। हम चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। अब समझ में आ रहा है? हाँ। अब है, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? एसीरिका कोलाय, कोकस, वाइसिलस, वाइब्रियो। यह कोकस, ये साइंस है, आजकल साइंस के सवाल काफी ट्रेंडिंग में है और पूछे जाते हैं। ये जीवाणु बड़ी शीघ्रता से बढ़ते हैं, इसमें लिंग का जो उनका जनन सर्वथा अभाव होता है। इनका जो जनन विखंडन के द्वारा ही होता है, मुख्य रूप से विखंडन के द्वारा इनका जनन होता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने शायद आपको दिख रहा होगा। बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लगभग कितनी होती है? सभी साथी कमेंट करके बताएं। बताइए सब लोग। देखिए, बैंगनी रंग की जो प्रकाश तरंग दैर्ध्य होती है, ये 380 से 300 तक होती है। मतलब यहां पर अगर विकल्प की बात करें, इस विकल्प के हिसाब से इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सी होगा। अगर हम लाल रंग की बात की जाए तो 520 से 740 तक होता है। मक्खन किसका उदाहरण है? जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि जो मक्खन है वो किसका उदाहरण है। अच्छा, बताइएगा एक नैनोमीटर बराबर कितना होता है? एक नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10^10, ये रख लीजिएगा, पूछा जाता है। इसी को हम कहते हैं एक एंगस्ट्रॉम। कॉपी यूनिक टॉपिक है, यहां से सवाल हो सकता है कि परीक्षा में ही पूछ लिया जाए। मक्खन क्या है? निलंबन, कोलाइड घोल, पायस, मिश्रण क्या है? बताइए फटाक से कमेंट करके, आप लोग जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, बताइए फटाफट कमेंट करके कमेंट सेक्शन में। जितने भी साथ देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें। अगर हम बात मक्खन की करें, तो जो मक्खन है ये
पायस का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? यह है पायस का उदाहरण है। अगर हम बात करें कोलाइड घोल क्या है, गोद सरे जिनेटिन एल्बुरिन है, मिश्रण की बात की जाए तो वायु भी मिश्रण है, चीनी नमक का मिश्रण हो गया, नमक पानी का मिश्रण हो गया। निलंबन की बात करें चाक और पानी का मिश्रण, चाक और पानी का मिश्रण निलंबन कहलाता है। आठा पानी गूंथ दिया जाए तो भी निलंबन कहलाता है। अच्छा, हवा का जो मिश्रण है निलंबन कहलाता है, हवा का मिश्रण निलंबन कहलाता है, सॉरी हवा का जो मिश्रण होता है निलंबन कहलाता है। देखिए सॉरी आप लिख दे रहे हैं, हवा का मिश्रण, हवा का मिश्रण को हम निलंबन कहते हैं। कोहरा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, धूल के कण हवा जो होता है, धूल के कणों और हवाओं का जो मिश्रण होता है उसे निलंबन कहते हैं। हवा का मिश्रण व धूल कण, क्योंकि हवा भी एक मिश्रण है। हवा क्या है? श्रमिक मिश्रण। लेकिन हवा में और भी चीजें मिली है उसे हम निलंबन कहते हैं। इसलिए प्रश्न का उत्तर यहां पर सी होगा। ठीक है, पायस इमुलेशन है। देखिए अगर हम बात करें कि कोलाइड एक निलंबन विषमांगी मिश्रण भी है, कोलाइड जो है स्वयं एक विषमांगी है मिश्रण है, कैसा निलंबन का विषमांगी मिश्रण कहलाता है। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे? ग्लेबोर साल्ट, वाशिंग सोडा, बोरैक्स, एप्सम सॉल्ट। यहां पर इसका उत्तर क्या होगा? एप्सम सॉल्ट। हमारे प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, मतलब जो गलत है वही आपका सही है। अगर हम बात करें कि ग्लेबोर साल्ट का है, इसका सूत्र जो होता है Na2SO4 10H2O होता है। ग्लेबोर साल्ट अगर यहां से लिखना चाहे लिख लीजिएगा Na2SO4 10H2O। ठीक है, सोडियम सल्फेट डेक्राहाइड्रेट भी इसे कहते हैं, कार्बनिक एक यौगिक के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम लोग चलते हैं, वाशिंग सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बेट भी कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है आपके सामने, 1887 में विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सभी साथी जरा कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए किसने किया था। जितने इस वीडियो को लाइव सेशन में देख रहे हैं वे सभी फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और जवाब दें दिए गए प्रश्न का। जितने भी साथी देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें और जवाब दें। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? चलिए यहां पे ध्यान से देखते हैं हम लोग। आप लोगों ने जवाब सही दिया है, जोनाथन डंकन लोगों ने बताया है। तो विश्वविद्यालय की स्थापना अल्फ्रेड जो लायर थी उनकी प्रेरणा से सर विलियम म्योर, विलियम म्योर ने किया था। कब? 23 सितंबर को। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने क्या किया था बताइए? यहां पे मदन मोहन मालवीय ने, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना किया था। ठीक है, देखिए जोनाथन डंकन लोग बता रहे थे, तो ये 1795 से 1811 तक बॉम्बे के गवर्नर रहे। बाद में 1791 में मतलब उन्होंने हिंदू लॉ और दर्शन शास्त्र के अध्ययन के लिए बनारस में संस्कृत कॉलेज शुरू की। 1958 में जो संस्कृत कॉलेज था
एक विश्वविद्यालय बना 1974 में, जिसका नाम बदलकर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया गया। ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जोनाथन डंकन, ये 1795 से लेके 1811 तक बॉम्बे के गवर्नर रहे। फिर 1791 में उन्होंने दर्शन शास्त्र और हिंदू लॉ के अध्ययन के लिए बनारस में संस्कृत कॉलेज शुरू की, और वही कॉलेज 1958 में जाकर संस्कृत कॉलेज जो था एक विश्वविद्यालय बना, और 1974 में उसका नाम संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया गया। ठीक, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या आपने शेयर किया वीडियो, बताइए कमेंट करके। अगला है, पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी, उन्हें किस भारतीय राज्य का नेतृत्व किया था? तो पहली महिला मुख्यमंत्री 1963 से लेकर 1967 तक कौन था बताइए। देखिए, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जरा बताइएगा आप लोग किन किन जनपदों से हैं, किन किन जिलों से हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो ए सही है। अगला है, अगर पूछा जाए तमिलनाडु की फर्स्ट फीमेल सीएम कौन थी, तो जानकी रामचंद्रन तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, केवल 23 दिन तक थी। पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, ममता बनर्जी। असम की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, जरा कमेंट करके बताइएगा। असम के इतिहास में, पूरे भारत के इतिहास में पहली महिला मुस्लिम मुख्यमंत्री थी सैयदा अनवरा तैमूर, लिख लीजिएगा सैयदा, सभी लोग लिख लीजिएगा अनवरा तैमूर। ये केवल असम की पहली मुस्लिम महिला नहीं थी, अपूर्त पूरे भारत की पहली महिला मुस्लिम मुख्यमंत्री थी सैयदा अनवरा तैमूर। पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। तमिलनाडु की जो पहली थी जानकी रामचंद्रन, लिख लीजिएगा 23 दिन के लिए बनी थी केवल जानकी रामचंद्रन। ये कहा कि तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, तो अलग अलग राज्यों का भी बता दिया। और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री 1963 मार्च से लेकर 1967 तक सुष्मिता कृपलानी जी थी। क्या सबको समझ में आ रहा है, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं? चलिए, आप सबका अलग अलग जनपद से कमेंट आ रहा है। मैं बता दूं, मैं जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से हूं। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए, तो योगी आदित्यनाथ जी चुने गए थे। ठीक है, कब? 2017 में। वर्तमान में कौन है? यूपी के सीएम। जवाब कमेंट बॉक्स में। ठीक है, किसी के मन में कोई दिक्कत हो, कोई सवाल हो तो जरूर पूछ सकता है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? ये सब परीक्षा वाले सवाल है, जहां पे सीधा आपके परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री मायावती जी थी। तोता, गरुड़, रामचिरैया, सारस। तो राज्य पक्षी की बात करें तो सारस है। देखिए, यूपी स्पेशल भी है, उत्तर प्रदेश स्पेशल भी है। अगर आपने नोट्स लिया होगा इलानी बिट दुर्गेश से, तो वहां पे आपको यूपी स्पेशल की भी नोट्स मिलेगी, क्योंकि वो भी आपके सिलेबस में है, वो भी आपके परीक्षा में है। अच्छा, एक मेरा सवाल है कि योगी जी 32वें मुख्यमंत्री, 32वें सीएम थे 2017 में जो उन्होंने शपथ लिया था, ये सवाल पूछ सकता है।
32वें सीएम थे, मुख्यमंत्री थे योगी जी। सारस हो गया। राजकीय चिन्ह क्या है, राजकीय पेड़ क्या है? राजकीय चिन्ह एक वृत्त में दो मच्छली एक तीर धनुष होता है। राजकीय पेड़ अशोक है, राजकीय पुष्प पलाश है, भाषा हिंदी और उर्दू है। तो यहां से सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? मैंने सवाल ऐसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट करें, बताएं कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, सभी साथी फटाफट कमेंट करें। संयुक्त प्रांत, एकदम सही जवाब दिया आप लोगों ने। 1947 में संयुक्त प्रांत एक नव स्वतंत्र भारतीय गणराज्य की एक प्रशासनिक इकाई बनती है। 12 जनवरी कब? 12 जनवरी 1950 को इसका नाम यूपी कर दिया जाता है। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर यूपी कर दिया जाता है। ठीक, 24 जनवरी को यह भारतीय संघ राज्य के संघ में सम्मिलित कर लिया जाता है। ठीक, ये यूपी स्पेशल के सवाल थे आप सभी के लिए। ऐसे अपनाया कब जाता है फिर आगे चलकर? 24 जनवरी 1950 का हिस्सा भी बनाया जाता है। ठीक है, क्लियर सबका? किसी के मन में कोई सवाल तो नहीं है ना? एक सवाल आपके सामने है, दिख रहा है, देखें। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान के लिए कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? यूपी टेट के आपके सिलेबस में है मेला, शिक्षक भर्ती परीक्षा में विविध के साथ आपके सिलेबस में है। माने हमेशा हमें भी प्रयास करना है कि आपको हमें कैसे सिलेक्शन दिलाना है। बताइए सभी लोग फटाफट, साफ दिख रहा है वीडियो ना, ये फेसबुक पे भी लाइव चल रहा है, यूट्यूब पर भी आप लाइव देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ में से आगरा शहर में शिव के सम्मान में कैलाश मेला सावन के तीसरे सोमवार को आयोजित किया जाता है। अगर हम बात करें लखनऊ की तो कत्की मेला कार्तिक पूर्णिमा पर लगता है, बड़े मंगल का मेला, बुद्धेश्वर का मेला, आठों मेला, ईद के अगले दिन लगने वाला टरका मेला, चंद्रिका देवी मेला है, उत्तरामणी मेला है, लखनऊ महोत्सव भी है वहां पर। कानपुर का बताइए जरा, कानपुर के प्रमुख कौन कौन से मेले हैं? सरस्वती घाट पर लगने वाला गंगा मेला है, बारा देवी मंदिर है, बिठूर में गंगा नदी किनारे लगने वाला जो कार्तिक यानी कत्की मेला है, किसान मेला भी शायद लगता है। वाराणसी में भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है। श्रुपद मेला है, नकटिया मेला है, महामूर्ख मेला, रथ यात्रा मेला, नागथया मेला, सरस, कई मतलब बहुत सारे मेले हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा मेला लगते हैं कमेंट करके बताइएगा। ये ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में भी है। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? आगरा नहर, शारदा नहर, ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर, कौन सी है जरा कमेंट करके बताइए। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। देखिए डेली क्लास के लिए आप लोग सब लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। जो अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं, दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। देखिए उत्तर प्रदेश की सबसे जो लंबी नहर है वह है आपकी शारदा नहर। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो 12,368 किलोमीटर है। ये कितने जिलों से गुजरती है? यह 13 जिलों से गुजरती है। यह परीक्षा पूछ सकता है कि कितने जिलों से अगर गुजरती है
उसका जवाब होगा 13 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, कितने जिलों से? 13। आगरा नहर के बारे में पूछता है, यह नहर ओखला बैराज से निकलती है। ठीक, आगे चलना अगले सवाल की तरफ। आप लोगों ने वीडियो को शेयर किया कर दीजिए, फिर से शेयर करिए, दोबारा शेयर करिए, तिबारा शेयर करिए। देखिए, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? अभी यह प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा था, फिर आ गया वही, तो यह सन 2000 में आया था। 1930 में सीवी रमन के लिए किसका नोबेल दिया जाता है और विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। नौ नवंबर 2000, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। सभी लोग फटाफट बताइए, इन्हें 1930 में भौतिकी के नोबेल के लिए चुना गया। ठीक है, यहां से सवाल आपके परीक्षा में आते हैं, मैं चाहूंगा आप लोग ऐसे सवालों को जानिए। साहित्य का नोबेल 1913 में मिला था भारत को, भारत में साहित्य का नोबेल 1913 में मिला था टैगोर जी को। किसका? साहित्य का नोबेल। शांति अगर देखा जाए तो मदर टेरेसा को 1979, टेरेसा, मदर टेरेसा। अर्थशास्त्र की बात की जाए तो अमर्त सेन। सभी लोग लिखना चाहे लिख लीजिएगा, अमर्त सेन। ठीक है, तो उसके अलावा भी कैलाश सत्यार्थी को 2014 का मिला था, 2014 को कैलाश सत्यार्थी। किसका नोबेल? इन्हें शांति का नोबेल मिला था। ठीक है, किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो तो जरूर पूछ सकते हैं। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। मैंने कहा लिखा था, चला क्या क्या कट दी, विज्ञान दिवस 28 फरवरी। विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक विधा के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? इन इक्वल म्यूजियम, ब्रिस्टली टेल्स, द रिवर्ड अर्थ, समर वैक्यूम। तो क्या होगा आपका? ब्रिस्टली टेल्स। क्या होगा आपका? ब्रिस्टली टेल्स, माने आपका जवाब सही है। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब पर मिलता रहेगा। सभी क्लास की नोटिफिकेशन यूट्यूब नहीं देता है, क्योंकि हमारे देने से नहीं होता, यूट्यूब के माध्यम से ही होता है। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर जुड़े रहेंगे तो सभी क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप नहीं इंस्टॉल किया तो आज ही प्ले स्टोर से ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप डाउनलोड करके रखिएगा। अच्छा, विक्रम सेठ की विधा है ब्रिस्टली टेल्स। अगला सवाल है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताइए। काफी इंपॉर्टेंट है सवाल, यहां से आता है। देखिए, इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी, उस समय हरिवंश राय बच्चन द्वारा अंतिम कविता लिखी थी, गई थी जो 1 नवंबर 1984। कौन सी कविता लिखी गई थी? 1 नवंबर 1984। ये किस पर आधारित थी? इंदिरा गांधी हत्या पर। यह लिखना चाहे लिख लीजिएगा, इंदिरा गांधी हत्या पर यह आधारित थी। चल मर्दाने, दो चट्टाने, अग्निपथ, यह भी हरिवंश राय बच्चन की हिंदी कविता थी। और चल मर्दाने 1968 में साहित्य का अकादमी पुरस्कार भी दिलाता है। हिंदी का जो पहला, अगर हम बात करें
हिंदी का पहला सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन की उनकी आत्मकथा के लिए प्राप्त होता है। हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा थी, सरस्वती सम्मान उन्हीं को मिलता है। चलते हैं हम एक और अगले प्रश्न की तरफ। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जो जल संधि है उसे किस नाम से जानते हैं? जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे। इसे हम सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा यार, ये सिलेक्शन वाले टॉपिक है और सिलेक्शन वाले सवाल है। आप लोग ज्यादा ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करिएगा। इसे हम पाक जल डमरू मध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? पाक जल डमरू मध्य। ये तमिलनाडु श्रीलंका मन्नार जिले के मौजूद है। इसे पाक जल संधि कहते हैं, पाक जल डमरू मध्य के नाम से जाना जाता है, इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। पूछा जाता है परीक्षा में कि यह मलक्का जल डमरू संधि कहां है, तो जो भी साथी देख रहे हैं वीडियो को बताएं, ये अंडमान सागर एवं दक्षिण सागर को जोड़ने का काम करती है। सुंडा जल डमरू क्या है? ये जावा सागर हिंद महासागर को जोड़ती है। मलिकू कंडू, ये मलिकंडू मालुकंडू देवी जो मालदीव के उत्तर में निकाय और इमांदी पोलू और के बीच व्यापक मिनिकाय चरल के पारंपरिक नाम से भी जाना जाता है। तो ये सभी चीजें मैंने आपको बता दी। अगला है, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती? यह यूएसए का सबसे अंतिम राज्य था। यूएसए का सबसे अंतिम राज्य, कितने राज्य हैं? 49+1 कुल 50 राज्य हैं। तो यह 50वां राज्य भी था। तो जितने भी साल आप लोग जरा कमेंट, क्योंकि देखिए ऐसे प्रश्न ही आपके परीक्षा में आएंगे। यूएसए में 50वां राज्य जो बना था वो कौन था? वो था अलास्का। अलास्का किससे खरीदा था? अमेरिका ने इसे खरीदा था, जरा कमेंट करके बताइएगा किससे खरीदा था। रूस से, रूस से यूएसए ने खरीदा था। नहीं सॉरी, 49वां राज्य था। एक मिनट यहां पे मैं इसको सही कर दूं। यह 49वां राज्य था, ये 49वां राज्य था, यूएसए का 49वां राज्य अलास्का था। इसकी 3 जनवरी 1953। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहां से किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। एक सवाल है सर, ऑल सब्जेक्ट की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट बैच चलेगी? जी हाँ, प्रैक्टिस सेट ऑल सब्जेक्ट की नहीं चलेगी, उसकी आपको जल्द ही 1-2 दिन के अंदर ऐप पे कंप्लीट निशुल्क आपको मिल जाएगी। और अन्य उसके अलावा जो शिक्षक भर्ती परीक्षा की सिलेक्शन वाली क्लास होगी पूरा 150 नंबर की, एक सप्ताह में 2 दिन 150-50 अंकों की सीरीज हम लेकर आएंगे और आपको कुल 50 प्रैक्टिस सेट हम उपलब्ध कराएंगे। कुल 50 प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराएंगे जिसमें से हुबहू प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। माने वही प्रश्न एनसीईआरटी एससीईआरटी और आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि परीक्षा का पैटर्न आप तो देख ही रहे हैं कितना तेजी से बदल रहा है, सिलेबस बदलने का काम चल रहा है। अगला है, दुनिया की तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश क्या है? पहला चीन, दूसरा भारत। आपको हर वो चीज मिलेगी जहां से आपका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन आप लोग हमेशा वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तब अगर अभी तक आपने नोट्स नहीं लिया है तो नोट्स ले लीजिएगा। 6306344367 पर व्हाट्सएप करके, ये सभी क्लासेज आपके जौनपुर जनपद से हैं, या आप इस नंबर पर भी, क्योंकि मेरी क्लास निशुल्क देशित में राष्ट्रित में चलती है, अन्य के लिए आप यहां पे जानकारी ले सकते हैं। देखिए दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अब आपका बच्चन यूएसए। अलास्का कनाडा के पास है,
अलास्का कनाडा सटा हुआ है, कनाडा के सीमा पर है। जैसे अगर हम इस तरह से अगर अमेरिका का मैप देखेंगे तो यहां पर जो ये हिस्सा यही आपका अलास्का है, समझ गए आप। यहां पे कनाडा है, यहां पर आपका यूएसए है, ये आपका कनाडा है, ठीक है, यही मैप में है। मैं एक पढ़ाऊंगा टॉपिक महाद्वीप, मैं 3-4 दिन के बाद एक टॉपिक लेकर आ रहा हूं महाद्वीप, शिक्षक भर्ती परीक्षा की स्पेशल सीरीज, तो वहां पर आपको डे बाय डे आपको मिलता रहेगा, वहां पे मैं आपको क्रमवार रूप से सब पढ़ा दूंगा, ठीक है, कोई भी टॉपिक मैं छोड़ूंगा नहीं, इस बात की गारंटी है 110%। निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त राज्य अमीरात का एक अमीरात नहीं है, बताइए, मस्कट, दुबई, अबुधाबी, सारसा, देखते इस प्रश्न का जवाब कौन देता है। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, मस्कट, अपने सभी साथी मित्रों को बता दीजिए, ऐसी क्लास आपको पूरी YouTube पर नहीं मिलेगी। अकॉर्डिंग टू जैसा परीक्षण पूछा जाता है ऐसे ही सवाल हम आपके लिए कराए हैं। मस्कट संयुक्त अरब अमीरात नहीं है, यह ओमान की राजधानी है। यह क्या है? ओमान की राजधानी है। मस्कट, दुबई, अबू धाबी, सासा। अबू धाबी क्या है? यह संयुक्त राज्य अरब अमीरात की राजधानी है। यह क्या है? इसकी राजधानी है। इसकी क्या है? राजधानी है। दुबई, और अगर दुबई की बात करें तो यह अमीरात के 7 अमीरातों में से एक है। शाहजहां जो है यह भी है, ठीक है। कौन कौन है बता सकता है कोई? बताइए सभी लोग बताइए। देखिए, संप्रभु जो संवैधानिक राजतंत्र अबू धाबी है, जो राजधानी के रूप में कार्य करता है, उसके अलावा अजमान है, एसएल खैमा है आपका, सारजा है, और दुबई है, फुजैरा है, और अम उल क्वैन है, कुल 7 है। यार जो छोटा तो नहीं है क्या? 7 अमीरात का एक महासंघ है ये। अबू धाबी एक अबू धाबी हो गया, अजमान हो गया, दुबई हो गया, सारजा हो गया, अल क्वैन हो गया, अस अल खैमा हो गया, फजुरै हो गया, ना 7 हो गए, कुल 7 हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, हम व्याख्या भी कर रहे हैं आपको ताकि चीजें स्पष्ट होते चलें। कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? आपने देखा होगा सिलेबस में एकदम लिखा गया शापसा महाद्वीप, तो ये महाद्वीप के सवाल थे। आपने देखा होगा सिलेबस में महाद्वीप लिखा है, तो वो महाद्वीप के सवाल, मतलब सिलेबस में कैसे दिया गया है, कैसे सवाल पूछेगा, उस बात की भी हम लोग बात करते हैं। अंकार, दोहा, मनामा, बेरूत, तो जो बहरीन की राजधानी है वो मनामा है। क्या है? मनामा है। अंकारा ये तुर्की की राजधानी, अंकारा जो है ये तुर्की की राजधानी है। दोहा कतर की राजधानी है। बेरूत लेबनान, लेबनान गणराज्य की राजधानी है। देखिए आपको 4 राजधानियां तैयार हो गई, कितनी राजधानियां? 4, ठीक है। अरे 50 प्रैक्टिस सेट जो होगी, जैसे आप लोगों ने लिखा कि जो 50 प्रैक्टिस सेट होंगी, 50, सभी लोग लिख लीजिएगा जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रैक्टिस सेट, ये सुपर टेट की होगी। किसकी होगी? सुपर टेट की होगी, सुपर टेट की होगी। कितने प्रश्न होंगे? 150 प्रश्न होंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस, पाठ्यक्रम के अनुसार। लेकिन ये आप लोग को ऐप पर मिल जाएगी, और एक हफ्ते में 2 कर आएंगे, 150 पर 150 मिनट, अकॉर्डिंग टू सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस सवाल आएंगे, कठिनाई स्तर ज्यादा करेंगे, क्योंकि पद संख्या कम है, लोग ज्यादा हैं, तो सवाल कठिन होगा, उस हिसाब से डिजाइन होगा। लेकिन उसके लिए आप लोग जुड़े रहेंगे, तब सारी सूचना आपको टेलीग्राम पर दी जाएंगी। वीडियो को शेयर करिएगा, प्रतिदिन आपकी क्लासेस चलेंगी, प्रतिदिन
जी हाँ, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक चलेंगे। इसके लिए हम एक और यूट्यूब चैनल आपको उपलब्ध कराएंगे कल या आज शाम को, उसका भी लिंक आपको उपलब्ध हो जाएगा। एक और यूट्यूब चैनल होगा, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे में किसी यूट्यूब से 3 वीडियो ही डाला जा सकता है जिसकी नोटिफिकेशन यूट्यूब देता है, बाकी का नहीं देता। इसीलिए आपके लिए जल्दी ही हम एक और यूट्यूब चैनल लेकर आ रहे हैं जिसका लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसमें केवल आपकी शिक्षक भर्ती और आपकी टेट परीक्षा की ही क्लास चलेगी। आपके सामने एक सवाल है, आपको दिख रहा होगा, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? यहाँ पे भारत की बात हो रही है। सुषमा स्वराज, मीरा कुमार, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सुमित्रा महाजन। देखिए, पहला मीरा कुमार, दूसरा सुमित्रा महाजन, ये पहली राष्ट्रपति थी, महिला राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति। सुषमा स्वराज पहली महिला विदेश मंत्री। देखिए, चार के चारों प्रश्न आपके तैयार हो गए। अगर आप रेगुलर क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपके यहां पे चार के चारों प्रश्न आसानी से तैयार हो गए। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, सुषमा स्वराज विदेश मंत्री, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति पहली, सुमित्रा महाजन दूसरी, सुमित्रा महाजन दूसरी। सबको समझ में आ रहा है? सारा सीरीज आपको यूट्यूब पर मिलेगा। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी इस वीडियो को अपने साथी मित्रों तक शेयर करें। आप शेयर ही नहीं करेंगे तो पढ़ाने से मतलब क्या होगा बताइए? आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं कैसे करूंगा? स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ? झांसी, हैदराबाद, दिल्ली, मेरठ। स्वतंत्रता संग्राम 1857 सिपाही विद्रोह ये मेरठ शहर से हुआ था। कहां से? मेरठ शहर से हुआ। धीरे धीरे ये कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध तक फैल गया। पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य का नृत्य है? किस राज्य से संबंधित है? ये भोजन है। ये भी आपके सिलेबस में है, ये गुजरात राज्य का है। अब यहां पे सवाल आएगा, सर और किस राज्य का हमें याद करना हो तब? जैसे पश्चिम बंगाल का क्या है? चावल, मछली, पंटा भा, पानी में रात कर भिगोया हुआ चना। बिहार का क्या है? लिट्टी चोखा। कर्नाटक क्या है? नीर ढोसा है, घारा खारा पोंगल है, उत्तपल है। तो ये सब कहां का है? ये कर्नाटक का है। बिहार का लिट्टी चोखा है, याद रखिएगा। आपके यहां क्या प्रसिद्ध है जरा कमेंट करके बताइएगा। भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए जिसमें पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। उदंत मार्दंड, उदंत मार्दंड, ठीक है। इसमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत में हरित क्रांति में योगदान है? तो बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। देखिए, देशबंधु क्या है? हिंदी में प्रकाशित, हिंदी में जो प्रकाशित एक समाचार पत्र है रायपुर में 1959 से। उच्च पदार्थ होने वाली बीज किस्म जिसका भारत में हरित क्रांति में योगदान है बताइए? लर्मा रोजो, गेहूं। फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? आप लोग यार वीडियो को शेयर करिए, कहना पड़ेगा आपसे। फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? व्यवहार राम मनोहर सिन्हा, नंदलाल बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वेनेगल नरसिंह राव, बताइए आप। ये संवैधानिक सलाहकार थे, इन्हीं को हम लोग आज तक बीएन राव के नाम से जानते हैं। बीएन राव, यही है बीएन राव, बेनेगल नरसिंह राव। ये संवैधानिक सलाहकार थे। ये क्या थे? संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार,
यही बी एन राव जी थे जिन्हें बेनेगल नरसिंह राव के नाम से जाना जाता है, इनका पूरा नाम है, ठीक है। देखिए ये व्यवहार राम मनोहर सिन्हा एक भारतीय कलाकार थे, इन्होंने भारतीय संविधान की जो मूल अंतिम पांडुलिपि में उनके चित्रण का किया गया था। और नंदलाल बोस के बारे में जान लीजिएगा, ये एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, इन्होंने संविधान की जो मूल प्रति का डिजाइन बनाया था, जो मूल प्रति है उसकी डिजाइन नंदलाल बोस ने बनाई थी। यहां से भी सवाल आपके परीक्षा में आते हैं, ठीक है। चलिए, उम्भेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? एक सवाल आया है कि पर्वत पठार मैदान महाद्वीप पढ़ा दीजिए, पर्वत पठार की वीडियो पड़ी हुई है, महाद्वीप एक दो दिन के अंदर आपको मिल जाएगी। लावणी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बताइए, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके बताएं। देखिए लावणी महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कहां का? महाराष्ट्र का। ये वीडियो फेसबुक पे भी लाइव चल रहा है, यूट्यूब पर भी आपके लिए लाइव चल रहा है, ये महाराष्ट्र का है। उत्तर प्रदेश का क्या क्या है प्रमुख जरा बताइएगा? उत्तर प्रदेश में क्या क्या है? चरकुला है, नटवरी है, रासलीला है, रामलीला है, झूला है। सिक्किम के लिए क्या है? छुपाट नृत्य है, खूरी है, मारुनी है। तमिलनाडु क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध बताइए तमिलनाडु की, भरतनाट्यम, कावड़ी, ठीक है, कड़ागम, भरतनाट्यम सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। अगला है आपके सामने, कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया? 2016, 2012, 2008, 2004, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। क्या हुआ, इसके पहले वाले का आंसर नहीं बताया क्या मैंने? एक प्रश्न छोड़ गया। उभेद भवन पैलेस किसमें स्थित है बताइए? हाँ भाई, तो छोड़ गया, सॉरी, जोधपुर में। कहां पे? जोधपुर में, सॉरी। अगला सवाल है आपके सामने, ये 2016 में, 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? जवाब दीजिएगा। वॉरेन हेस्टिंग थे। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। यूनिक सरल सवाल था, सभी लोग कर लेंगे, ये सब नोट्स में है, अगर आपने पूरी नोट्स पढ़ी होगी तो इस सारे सवालों के जवाब आप आसानी से दे लेंगे। देखिए लॉर्ड मिंटो की बात करें तो चार्टर एक्ट 1813 इन्हीं समय पास हुआ था, और ये 1807 से 13 तक थे, इनकी वीडियो मैंने बनाया सभी गवर्नरों की। अगर जॉन वाटसन की बात करें, एडमिन सर के बाद थे, विलियम जॉर्ज वाकर, इन सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपकी परीक्षा के लेवल में था, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। निवेश जानकारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी CICSR का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई, बेंगलुरु, गुरुग्राम, चेन्नई। तो गुरुग्राम में। कहां पर है? गुरुग्राम में। सेबी का फुल फॉर्म कितने लोग जानते हैं? सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसका मुख्यालय कहां पर है? हेडक्वार्टर मुंबई में है। मुंबई में क्या है? सेबी। सेबी का मुख्यालय कहां पर है? बंगलुरु में है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को पता होना चाहिए कि करके खासकर ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में आते हैं। जैसे मझगांव डाक लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई में है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय चेन्नई में है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड बंगलुरु में है। अगला सवाल है, भूगोल का सवाल है कि भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया? प्रसिलन द्वीप, पेम्बा द्वीप, प्रोमलन द्वीप,
सेंटिनल द्वीप। तो भारत सरकार ने सेंटिनल द्वीप को में अवैध बना दिया। एक सवाल आ रहा है कि सर पेम्बा द्वीप क्या होती है, हो सकता है आपके मन में आया, आप भले ना पूछे। तो जो पेम्बा द्वीप है ये तंजानियन द्वीप है, जंजीबार द्वीप समूह का हिस्सा है, हिंद महासागर में स्वाइनी तट के पास स्थित है। इसे द ग्रीन आइलैंड कहते हैं, इसे कहते हैं द ग्रीन आइलैंड के नाम से जाना जाता है। पेम्बा द्वीप को द ग्रीन आइलैंड कहते हैं। अगर प्लासलन द्वीप की बात करें, मैं एक लाइन यहां भी बता दूं, ये ससेल्स का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ट्रोमुलियन द्वीप जो है ये हिंद महासागर में जो रियूनियन के उत्तर में लगभग है, ये मेडागास्कर के पूर्व में फैला हुआ है। मैप में जब पढ़ाएंगे तो और अच्छे से पढ़ाएंगे। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, एकदम इंपॉर्टेंट, बहुत हलवा सवाल है और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसे याद किया होगा, इसे आप लोगों ने रटा होगा। ठीक है, सभी लोग फटाफट कमेंट करिए और बताइए। देखिए यहां पर आपका सवाल है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, बताइए फटाफट कमेंट करके। ग्रीनलैंड खुद ही एक द्वीप है जो सबसे बड़ा द्वीप है। देखिए यहां पर इस प्रश्न का जवाब क्या है, स्वतंत्र भारत के पहले जो रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह थे। कैलाश कार्जू ये चौथे थे, कृष्ण मेमन ये छठे थे, यशवंत राय चौहान ये आठवें थे, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है, इसकी ऊंचाई कितनी है, उसकी ऊंचाई की बात करें तो 182 मीटर है, क्योंकि 182 सीट है वहां पे। खासकर हम बात करें वहां के विधानसभा का, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, किस नदी किनारे है, तो नर्मदा नदी किनारे है और ये अरब सागर में गिरने वाली एक नदी है। इसका उद्घाटन हुआ था 31 अक्टूबर 2018 को पीएम मोदी जी ने किया था। ठीक है, इसी के साथ आज की जो सीरीज थी यहां पे हम लोग समाप्त करते हैं। और आप सभी साथी ऑनलाइन नोट्स अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो घर बैठे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, क्लास प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए स्क्रॉल में नंबर चल रहा होगा, आप लोग देख पा रहे होंगे, नहीं तो ये नंबर रख लीजिएगा। और ये सभी क्लासेज आपके जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से लाइव चलती हैं। और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा, आपकी सभी प्रैक्टिस सीट जल्दी उपलब्ध हो जाएगी। इन सभी की लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करके जुड़े रहिएगा, ई लर्निंग विद दुर्गेश। ठीक, तो यहां पर हमारा उद्देश्य यह था कि ऐसे प्रश्नों को आप तक पहुंचाना जो उत्तर प्रदेश के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, अलग अलग जगह पूछे गए हैं, उनका समावेशन करना, कुछ प्रश्न कुछ जगह से, कुछ प्रश्न कुछ जगह से, तो अलग अलग जगह से उठाकर अगर आपका एक ऐसी सीरीज तैयार किया जाए जहां से एग्जामिनर आपके लिए प्रश्न बैंक लेकर आते हैं। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी पर है, दुनिया का सबसे ऊंचा है, और यह वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है, यह भी प्रश्न पूछ सकता है किसे, फीट में अगर पूछेगा तो 597 फीट है, अगर फीट में पूछ लिया जाए तो यह 597 फीट है। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, कि आपने अभी तक शेयर किया वीडियो को, अगर किया तो थैंक यू। और बाकी जितनी भी क्लास होगी, एक और यूट्यूब चैनल आपको एक दो दिन के अंदर मिल जाएगा,
जिस पर हम ज्यादा से ज्यादा क्लासेज आपका देने का प्रयास करेंगे, सभी क्लासेज, ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें, अपना बेहतर दे सकें। आप सभी का थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। तो थैंक्स टू ऑल, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। रिप्लाई मतलब से इतना ज़्यादा मैसेज हो जाता है कि रिप्लाई नहीं आया होगा, तो वो कर देंगे जैसे ही फ्री होंगे, क्योंकि लेनी पर दुर्गेश पर इतने सारे मैसेज आ रहे हैं नोट्स के लिए, क्लास के लिए, तो वो जब खाली होंगे तब आपको देंगे। ठीक है, हमारा उद्देश्य है आपको सिलेक्शन तक पहुँचाना। हम चाहे जैसे भी करके आपको सिलेक्शन तक ले जाएंगे, आपके साथ हम भी उतनी मेहनत करेंगे जितना आप लगातार कर रहे हैं, लेकिन आपको भी अपना बेहतर तो देना पड़ेगा। जब तक आप अपना बेहतर नहीं दे पाएंगे, तब तक हम सिलेक्शन के नज़दीक कैसे ले जाएंगे आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जुड़े रहिएगा, लोगों तक पहुंचाते रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय। शेयर कर दीजिएगा, आपकी जिम्मेदारी है, जितनी मेरी है उतनी आपकी भी है। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू। सभी चीजें मिल जाएंगी, हम वही चीज पढ़ाएंगे जहां से परीक्षा में सवाल आते हैं, सभी विषय, संपूर्ण विषय। अभी तो 50 प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं, अभी बनने में समय लगेगा, 10-12 दिन में हम आपके सामने एक एक करके डेली प्रैक्टिस सेट सीरीज लेकर आएंगे। बाय बाय। ठीक है, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप एक रेस के घोड़े हैं।